वेलकम फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे 20 फीट फ्रंट में 20 फीट बाई, ये हमारा फ्रंट साइड है 20 फीट और लेंथ में 20 फीट, टोटल 400 स्क्वायर फीट का टू स्टोरी हाउस डिजाइन। मीटर में बात करेंगे तो 6 मीटर बाई 6 मीटर का। सो ये बिल्डिंग का फ्रंट साइड है, इस तरह हमें डिज़ाइन बनाना होगा। सो इस वीडियो में हमने डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। अगर इस वीडियो को आप फुल वॉच कर लिए तो आपने घर बनाने के टाइम बहुत इजी और आसान बन जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिटेल्स डिस्कशन किया हूँ। सो एट फर्स्ट हमने चलेंगे यहाँ पे, देखिए एक स्टेयर के जस्ट नीचे वाला पोर्शन में पार्किंग एरिया, एक कार पार्किंग एरिया है यहाँ पे स्टेयर के जस्ट नीचे। और कार पार्किंग एरिया का जो फ्लोर होगा ये बिल्कुल एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल के बराबर, जिसमें कि गाड़ी इजीली हम अप एंड डाउन कर सके। सो ये बिल्डिंग का चारों साइड है, इस तरफ हमें वेंटिलेशन मिल जाएगा, ये अपना ही जगह है। और पीछे कुछ जगह हमने छोड़ के रखना है, क्योंकि पीछे वाला जो साइट है यूटिलिटीज के लिए वॉशिंग एरिया, और जो हमारा सेप्टिक टैंक होगा यहाँ पे उसका ओपनिंग होगा, जो डिस्पोज करने का टाइम जगह चाहिए था ये यहाँ से हमें काम देगा। और दूसरा साइड में देखिए बिल्कुल ब्लॉक्ड है, यहाँ पे हमें कोई वेंटिलेशन मिलेगा नहीं, ये फ्रंट साइट है। सो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं इसका डिटेल्स डिस्कशन करते हैं टॉप से बॉटम तक। और चैनल में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में काफ़ी सारा हाउस डिज़ाइन है। सो सब्सक्राइब करने के बाद वो आपको देखने मिलेगा। ये पैरापेट वॉल जैसे हमने उठा दिए तो हमें फर्स्ट फ्लोर में आ गए, और फर्स्ट फ्लोर में हमें 2 बेडरूम, टॉयलेट, वॉशिंग एरिया और एक बालकोनी, जो कि सेटिंग एरिया के पर्पस में हम यूज करेंगे, ये हमारा बालकोनी, सोफ़ा और टी टेबल प्रोवाइड किया गया है। ये बेडरूम नंबर 1 फ्रंट साइड में दिया गया है। दो वेंटिलेशन है यहाँ पे फ्रंट में और अदर साइड में। साइज 11 फीट 9 इंच बाई 8 फीट 9 इंच। डोर बिल्कुल लैंडिंग से हमें लेना होगा, जिसका साइज होगा डोर का 3 फीट 4 इंच। और दूसरा डोर जो कि हमें टॉयलेट जाने के लिए और वॉशिंग एरिया जाने के लिए, टॉयलेट का साइज 7 फीट बाई 5 फीट, थोड़ा सा बड़ा रखा गया है। वॉशिंग एरिया का साइज हम डिस्कशन करेंगे, यहाँ पे हमने वॉश बेसिन या वॉश मेसिन यहाँ पे रख सकते हैं। मिरर भी यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, 3 फीट बाई 3 फीट 4 इंच का जगह हमें यहाँ पे क्लियर मिल जाएगा। और टॉयलेट का जो डोर होगा ये 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट। नेक्स्ट हम चलेंगे दूसरा बेडरूम के ओर, जो कि स्टेयर लैंडिंग से हम बिल्कुल डायरेक्टली एंट्रेंस कर सकेंगे। और सेकेंडरी और एक डोर दिया गया है जो कि टॉयलेट जाने के लिए, इसका साइज 10 फीट बाई 9 फीट। दो बेडरूम तो हमें चाहिए होता है। और इस बिल्डिंग को आप अगर रेंट में देना चाहेंगे हो सकता है, पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे जो सेटिंग एरिया और इंक्लूडिंग स्टेयर है उसका साइज 10 फीट बाई 11 फीट 8 इंच, स्टेयर हर फ्लाइट में 2 फीट 4 इंच का दिया गया है, जगह के हिसाब से ये बनाया गया है। बहुत ही छोटा जगह में अगर आपको घर बनाना होगा, इस हाउस प्लान आपको बहुत ही ज़्यादा इजी और आसान बना देगा। अब हम चलेंगे ग्राउंड फ्लोर में, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। और ग्राउंड फ्लोर में देखिए यहाँ पे कार पार्किंग एरिया एट फर्स्ट, जिसका प्लिंथ हाइट हमने बिल्कुल एग्जिस्टिंग ग्राउंड के लेवल के बराबर रखा हूँ, जिसका साइज 10 फीट 2 इंच बाई इस तरफ 10 फीट है। और मेन जो फ्लोर होगा पार्किंग एरिया से 1 फीट ऊपर रखा गया है, सो इसीलिए यहाँ पे एक स्टेप प्रोवाइड किया गया है और एक यहाँ पे एग्जिस्टिंग डोर भी मिल जाएगा।
जो कि बिल्कुल एंट्रेंस हो रहा है हमारा डाइनिंग पोर्शन में। अब हम चलेंगे स्टेयर में, स्टेयर में डिटेल्स डिस्कशन करते हैं। स्टेयर का लेंथ 2 फीट 4 इंच, ट्रेड मतलब चौड़ाई होगा 9 इंच का, और जो हाइट होगा हर स्टेप का 6 इंच कर का है। बिल्कुल ही कंफर्टेबल स्टेयर है, हाइट भी बहुत ही आसान इजी है। सो अब हम चलेंगे इसका मेन डोर। मेन डोर के बाद हमें मिल जाएगा लिविंग रूम। देखिए यहाँ पे 1 स्टेप मैंने प्रोवाइड किया हूँ एंट्रेंस में, क्योंकि प्लिंथ हाइट हमने 1 फीट का रखा हूँ। लिविंग का जो साइज होगा 7 फीट बाई 8 फीट 9 इंच। सोफा, डाइनिंग टी टेबल और उसके अपोजिट में हमने टीवी यूनिट प्रोवाइड करेंगे। फिर और एक हमें गेट मिल जाएगा यहाँ पे, जो हमें डाइनिंग में ले जाएंगे। किचन विद डाइनिंग साथ में रखा गया है, जिसका साइज 7 फीट 4 इंच बाई 8 फीट 9 इंच, 4 सीटर डाइनिंग टेबल प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम चलेंगे टॉयलेट, और पार्टीशन वॉल में एक पैसेज दिया गया है जो कि हमें एग्जिस्टिंग डोर के काम पे आएगा, जो कि 2 फीट 6 इंच का मिनिमम साइज रखना है एक डोर, जो हमें पीछे साइड में जाना होगा यूटिलिटी एरिया में, जहाँ पे हमने वॉशिंग के पर्पस में यूज करेंगे। और ये हमारा एक ही टॉयलेट एंड बाथरूम, जो कि 4 फीट बाई 5 फीट 10 इंच का है। एक ही बेडरूम दिया गया है, सो इसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट हम चलेंगे बेडरूम में। बेडरूम का डोर 3 फीट 4 इंच बाई 7 फीट। बेडरूम का जो साइज 9 फीट बाई 10 फीट। एक ही विंडो पीछे साइड में रखा गया है। सो व्यूअर्स, ये था आज का 2 स्टोरी हाउस डिज़ाइन बिल्कुल डायमेंशन के साथ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए। और आपको अगर घर बनाना होगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए आपका बिल्डिंग का साइज, और ऐसा 3D चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट हाउस प्लान में।